नमस्कार सिटी 18 लै स्वागतम स्टुडियोत म पापुरी प्रथम तो गुरुत्वपूर्ण खबर नागालैंडर घटनार तदंत आरंभ करिसे स्पेशियल इन्वेस्टिगेशन टीमे देखजुरी सांसल सृष्टि करा घटना सन्दर्भत आज लोकसभा विबृति प्रदान करिसे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह भूल बुझाबुझिर बाबे नागालैंडर भयंकर घटना संघटित हुआ बुली मंतव्य करिले केन्द्र गृहमंत्री गराकी नागालैंडर परिस्थिति उत्तप्त हो आछे जदिओ नियंत्रणाधीन हो आछे उग्रपंथीर गति विधिक लै सुरांग स्वाई तथ्य लाभ करिसिल और हे तथ्यर भित्तित अभियान परिकल्पना करा और সেই সময়তে ঘটনাস্থলীত অহা বাহন এখনক রবলে সংকেত দিয়ার পিছতো বাহনখন নুরুয়াত সন্দেহ বহত গুলিচালনা করবলগিয়া হৈছিল সরকারে পরিস্থিতির উপর চোখা নজর রাখিছে সমগ্র ঘটনা এসআইটি দ্বারা অনুসন্ধান করা হব এমাহৰ ভিতৰত এসআইটিয়ে রিপোর্ট দাখিল করব মাননীয় অধ্যক্ষজি ভারতীয় সেনা কো নাগাল্যান্ড কে মন জিলে কে তিজিত ক্ষেত্র মে তিরু গাঁও কে পাস उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा, उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नदी की स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के 1 जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिक पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।